बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंपल रेसिपी विद शहनाज़ में आज आप देखेंगे चिकन चीज़ी पास्ता। पास्ता बहुत मज़ेदार होता है और बनाने में भी आसान होता है। पास्ता बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। अभी आप देखेंगे पास्ता कैसे तैयार करते हैं। मैंने 1/2 kg मैक्रोनी ली है। आप अगर छोटी साइज़ की मैक्रोनी मिली तो वो ले लीजिए। और 250 ग्राम्स चिकन लिया है, ये बोनलेस चिकन है, ब्रेस्ट चिकन है। ब्रेस्ट चिकन बहुत जल्दी बन जाता है, इसलिए जब भी पास्ता बनाएं तो ब्रेस्ट चिकन ही लें, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और 300 ग्राम्स टमाटर लिए हैं। आप टमाटर ज़्यादा भी ले सकते हैं, जितने टमाटर ज़्यादा हों पास्ता जूसी बनेगा। एक बर्तन ले लें और उसमें 3 लीटर पानी डालें और 2 टेबलस्पून तक ऑयल डालें। ऑयल डालने से पास्ता एक दूसरे को चिपकेगा नहीं। और 1 टेबलस्पून सॉल्ट भी डालें। जब पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें पास्ता ऐड कर दें। ये 500 ग्राम पास्ता है। पास्ते को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, सिर्फ 50% ही कुक करें। अगर ज़्यादा कुक हो गया तो टेस्ट अच्छे से नहीं आएगा। पास्ते को हाई फ्लेम पर 10 मिनट्स तक कुक करें, ज़्यादा ना करें। 1 से 2 बार पास्ते को कुक होते वक्त मिक्स करें ताकि वो एक दूसरे को चिपके ना। अगर मिक्स नहीं करेंगे तो पास्ता एक दूसरे को चिपक जाएगा। पास्ता के कुक होने तक हम चिकन की तैयारी कर लेते हैं। ये 250 ग्राम्स चिकन है, बोनलेस चिकन है। इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। वन टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। सॉल्ट और रेड चिली पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। एक पैन ले लेंगे और इसमें तकरीबन 50 ml ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद ज़ीरा ऐड करेंगे, क्यूमिन सीड्स। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप भी इसे ज़रूर ऐड करें। और ज़ीरा से डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। पास्ता हेवी होता है और ज़ीरा इसे हज़म करने में, डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा। और 1-1 इंच के 3 टुकड़े सिनेमन ऐड करेंगे, दालचीनी ऐड करेंगे, इससे भी थोड़ा सा मीठा फ्लेवर आएगा। इस बात का ध्यान रखें कि ज़ीरा जले ना। जब ज़ीरा की खुशबू आनी शुरू हो जाए तो इसमें चिकन ऐड कर दें। और चिकन को अच्छे से भूने। इसमें आपको वाटर ऐड नहीं करना है, बस चिकन को सोटे करना है। अभी चिकन अच्छे से भून चुका है, ब्रेस्ट चिकन होने की वजह से ये जल्दी कुक हो जाएगा। अभी हम इसमें टमाटर
का पेस्ट ऐड कर लेंगे। ये वही टमाटर है 300 ग्राम जिसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया है। इस पेस्ट को चिकन में ऐड कर दिया है। सारा टमाटर का रस सूखने तक हम इसको कुक करेंगे। टमाटर का रस सूखने तक हम पास्ता देख लेते हैं। ये देख सकते हैं आप, पास्ता कुक हो चुका है। अब हम इसको स्ट्रेनर में डालकर छान लेंगे। जब इसमें से सारा गर्म पानी चले जाएगा तो हम इसके ऊपर से ठंडा पानी डालेंगे और इसका टेम्परेचर डाउन करेंगे। अगर टेम्परेचर ज़्यादा रहा और ठंडा पानी ना डाला तो पास्ता एक दूसरे को चिपक जाएगा। पास्ते को ठंडा होने देते हैं और टमाटर की ग्रेवी चेक कर लेते हैं। अभी भी चिकन में टमाटर का जूस बाकी है। इसको अच्छे से सूखा होने तक कुक करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। चिकन में भी 1/2 टीस्पून ऐड किया था, वो चिकन के लिए था। अगर उसमें पहले ही 1 टीस्पून ऐड कर देते तो चिकन में ज़्यादा नमक हो जाता, इसलिए चिकन में अलग से और ग्रेवी में अलग से ऐड करें। अभी हमारा टमाटर का जूस सूख चुका है। आप देख सकते हैं अभी इसमें बिल्कुल भी टमाटर का जूस नहीं है। टमाटर अच्छे से भून चुका है। अगर टमाटर को नहीं भूनेंगे तो उसका कच्चापन स्मेल भी आएगी, इसलिए हमेशा टमाटर को अच्छे से भूनें। अभी इस चिकन में 1 ग्लास वाटर ऐड करेंगे और पास्ते को इस ग्रेवी में कुक करेंगे ताकि पास्ते में चिकन, टमाटर और मसालों का अच्छे से टेस्ट आ जाए। और इस पास्ता को चिकन के साथ हाई फ्लेम पर ही 5 मिनट तक कुक करेंगे। इसमें 50 ग्राम बटर ऐड करेंगे। बटर से पास्ता में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अभी इसमें 1/2 कप धनिया ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं पास्ता बहुत अच्छे से कुक हुआ है। माशाल्लाह बहुत अच्छा बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। पास्ते में चीज़ और मेयोनीज सर्व करते वक्त ही ऐड करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
चिकन चीज़ी पास्ता रेडी है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।